एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में गणेश चौक पर चेकिंग अभियान के तहत बिना हेलमेट चलने वाले तथा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों को चालान किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस द्वारा नियमित रूप से वाहन चेकिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, अगर चार पहिया वाहन से चलते हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ITMS के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन पर जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि घर से जब भी दोपहिया वाहन पर निकलें तो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वाहन चेकिंग यातायात पुलिस की एक निरंतर प्रक्रिया है। ये यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस नियमित रूप से हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं। वाहन चेकिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और हम अपने ITMS के माध्यम से हमेशा सभी गोरखपुर वासियों को जागरूक करते रहते हैं कि हेलमेट अवश्य धारण करें, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं अगर चार पहिया वाहन चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी से अनुरोध ये है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अवश्य लगाएं, क्योंकि HSRP ना लगाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। तो सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि HSRP अवश्य लगाएं और यातायात नियमों का सभी लोग पालन करें। सर, बहुत से लोग सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, देखिए जब भी आप वाहन का इस्तेमाल करें सुबह के लिए, चाहे दूध सब्जी और ब्रेड लाते समय या बच्चे को स्कूल ले जाते समय, अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं की सुरक्षा के लिए आप जब भी वाहन निकालें, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, हेलमेट को अवश्य धारण करें। और हेलमेट के संबंध में एक ही नियम है, चाहे सुबह हो या शाम हो, तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि मॉर्निंग वॉक को जाते समय भी अगर वो दोपहिया वाहन से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाकर ही जाएं।